देख रहे दूर देहात न्यूज में आपके साथ पलक। यूपी जनसंख्या विधेयक का ड्राफ्ट तैयार, 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधा में कटौती। यूपी जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट के मुताबिक अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उनके अतिरिक्त इंक्रीमेंट प्रमोशन सरकारी अफसाई योजनाओं में छूट पीएम में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जल्द ही आएगा। इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस ड्राफ्ट में यूपी में जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। विधि आयोग ने बकायदा इसका ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है। आयोग के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है, खुद की प्रेरणा से यह ड्राफ्ट आयोग ने तैयार किया है। 2 से अधिक बच्चे होने पर क्या होगा? ऐसे में अगर एक एक्ट लागू हुआ तो 2 से अधिक बच्चे पैदा होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन का प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से वंचित रखने का प्रावधान है। अगर यह लागू होगा तो 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारी स्थानीय विकास में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते उनके 2 बच्चे हैं और शपथ पत्र होने के बाद अगर वह तीसरा संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने व चुनाव न लड़ने का प्रस्ताव होगा। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश। नसबंदी करवाने पर इंक्रीमेंट प्रमोशन समेत लाभ। अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट प्रमोशन सरकारी अफसाई योजनाओं में छूट पीएम में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। 2 बच्चे वाले दंपति अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो उन्हें पानी बिजली हाउस टैक्स होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं 1 संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावक को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज शिक्षा बीमा शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों के प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।